वेलकम सुंबल किचन मेन्यू किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार फ्राइज को बनाने के लिए 3 से 4 छिले हुए आलू लेंगे। अब इनको कटर की मदद से छील लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, सारे आलू छिल चुके हैं। जो बच्चे फ्राइज खाना पसंद करते हैं उनको एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। छिलने के बाद पैन लेंगे, पैन में 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब इन छिले हुए आलू को पानी में डालेंगे। व्यूअर्स अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। व्यूअर्स आलू हमारे उबल चुके हैं, अब इनको पैन से निकाल कर ठंडे पानी में डाल लेंगे। व्यूअर्स आपके एक एक सब्सक्राइब करने से मेरी और मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती है। ठंडे पानी में डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसको इसी कंडीशन में छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद इसको पानी से बाहर निकाल लेंगे। व्यूअर्स इन फ्राइज को आप एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाएं, बाहर से लाना भूल जाएंगे। पानी से निकालने के बाद अब इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे फ्राइज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको पैन से बाहर निकाल लेंगे और बाकी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद इस पर 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद लीजिए व्यूअर्स, हमारे क्रिस्पी फ्राइज तैयार हैं। आप इन फ्राइज को एक बार घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्रिस्पी फ्राइज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार सांसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।